हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग स्कूल फॉर किड्स पी यू ट्वेल्व में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा वीडियो वो है 10 क्वेश्चंस, 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों की लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं, दैट कुड सेव योर चाइल्ड्स लाइफ एज अ पेरेंट्स या एडल्ट्स या चाइल्ड्स। हम ऐसे सिचुएशन को फेस करते हैं जब हमें कुछ समय समझ में नहीं आता कि हमें ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें जरूरी है कि हम अपने बच्चों को इसके बारे में सिखाएं कि जब वो सिचुएशन को फेस करें तो उसमें उन्हें क्या करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ जो आप अपने बच्चों से पूछिए कि वो सिचुएशन में क्या करेंगे। अब उनके स्कूल भी खुल गए हैं तो ज़रूरी है कि उनको ये सारे सेफ्टी रूल्स पता होने चाहिए ताकि आप भी फ्री माइंड रहें, निश्चिंत रहें और बच्चा भी जब जाए तो पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, बाहर के होने वाले बाहरी सिचुएशन में वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। बाद आप उन्हें बताइए कि उन्हें सिचुएशन में क्या करना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, 10 ऐसे क्वेश्चन जो बच्चों की लाइफ को सुरक्षित कर सकते हैं, दैट कुड सेव योर चाइल्ड्स लाइफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट, शुड यू टेक कैंडी फ्रॉम स्ट्रेंजर। ये क्वेश्चन आप अपने बच्चों से पूछिए कि क्या उन्हें अजनबियों से जो जिन्हें वो नहीं जानते उसे क्या। फिर आप उन्हें बताइए, इट इज़ एब्सोल्युटली अनअसेप्टेबल टू टेक फूड टॉयज एनी अदर थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर। मतलब हमें पूरी तरह से इग्नोर कर देना चाहिए कि अगर जिन्हें हम नहीं जानते वो हमें फूड दे रहे हैं, टॉयज दे रहे हैं या कोई ऐसी थिंग्स दे रहे हैं जो हमें पसंद है बच्चों को खिलाने के लिए, वो उस चीज़ को पूरी तरह से नकार दें। यू हैव टू टीच योर चाइल्ड दैट कैन ओनली ओकेजनली टेक समथिंग फ्रॉम योर नेबर्स हू नो वेरी वेल। मतलब हमें उन्हें बताना चाहिए कि हमें कोई भी सामान अगर हमें किसी से लेना है तो हम ओकेजनली, जैसे हम किसी के बर्थडे में गए या किसी पार्टी वार्टी में गए तो उस समय जब हमें कोई ऑफर करता है तब हम उस सामान को ले सकते हैं। क्योंकि लेकिन जो जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं उनसे, अजनबियों से, स्ट्रेंजर्स से कोई भी चीज़ लेने के लिए उन्हें मना करिए। सेकेंड क्वेश्चन है, What should you do if your parents are away and someone is trying to open the door? आप उस समय क्या करेंगे या आप उस समय क्या करना चाहिए बच्चों को जब पेरेंट्स घर से बाहर हैं और कोई हमारे दरवाजे को खोलने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा हो। If someone is trying to break into the house where a child is alone, अगर कोई घर खोलने की कोशिश कर रहा है, बच्चे घर में अकेले हैं, तो the child needs to call their parents before calling 100। तो बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले पेरेंट्स को कॉल करें, उसके बाद अगर उनके पास टाइम मिलता है तो वो रेस्क्यू को या 100 जो हेल्पलाइन नंबर होती है उन पे कॉल करें। पेरेंट्स को कॉल इसलिए पहले करें क्योंकि पेरेंट्स को वो तुरंत कॉल करके तुरंत सिचुएशन के बारे में बता। टेक अ टाइम टू कॉल देयर पेरेंट्स एंड टेल देम अबाउट व्हाट्स गोइंग ऑन एंड देन देयर आर 3 पीपल्स इनफॉर्मिंग अदर्स। उससे जब वो पेरेंट्स को बता देते हैं तो तीन लोगों को ऐसे होते हैं जिनको ये सिचुएशन के बारे में पता होता है, एक तो पेरेंट्स जो घर के बाहर हैं, एक बच्चा जो घर के अंदर है। तो पेरेंट्स बाहर नेबर्स को या किसी रेस्क्यू ऑपरेशन या हेल्पलाइन नंबर कॉल करके उनके बारे में बता सकते हैं। अगर बच्चा पहले ही किसी हेल्पलाइन नंबर रेस्क्यू को कॉल करता है तो उससे क्या होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेते हैं सिचुएशन के बारे में जानने से के लिए, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे क्या है, तो बच्चा नर्वस हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि वो ऐसे सिचुएशन जब वो फंसे तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स को कॉल करें। और अगर आप मोबाइल है आपके घर में तो आप उस पर स्पीड डायल में नंबर रखें अपना, ताकि वो एक नंबर दबाने पर आपके बच्चे सीधे आपको कॉल कर सके। उन्हें नंबर अगर याद नहीं है तो वो स्पीड डायल से ही आपको नंबर कॉल कर सकते हैं। तो मेरा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ पावर सॉकेट स्टार्ट स्टीमिंग एंड देयर इज नो वन एल्स एट होम। जब पावर सॉकेट होगा और मतलब जो थोड़ा सा जलने लगेगा तो उसमें क्या करना चाहिए उस घर में। आई शुड नो दैट इफ देयर इज योर इज फायर इन आवर हाउस अपार्टमेंट, दे मस्ट नेवर ट्राई टू पुट आउट द फायर एंड देयर ऑन। अगर बच्चे को पता है कि आग जो बिजली सॉकेट हुआ है उससे आग लग सकती है तो वो घर से बाहर निकल जाए। द फर्स्ट थिंग दे शुड डू इज गेट आउट ऑफ बिल्डिंग एज फास्ट एज पॉसिबल, ओनली वेन दे आर आउटसाइड दे कॉल देयर पेरेंट्स एंड आस्क नेबर फॉर हेल्प। एंड अगर बहुत ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ जाती है तो फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर सकता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, एन एडल्ट स्ट्रेंजर इज आस्किंग फॉर हेल्प, शुड यू हेल्प देम। मतलब एक बड़ा बच्चा जो आपसे हेल्प मांग रहा है, क्या उसको हेल्प करनी चाहिए।
If someone is asking your child for help, they should just clearly say no and leave. अगर आपके बच्चे से कोई छोटा बड़ा बच्चा उससे हेल्प मांग रहा है तो उसको जरूरी है कि वो उसको नहीं करे और वहाँ से वो चला जाए. या फिर आप कह रहे होंगे कि हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है, बट आप खुद सोचिए छोटा बच्चा बड़ों की कैसे हेल्प कर सकता है. अगर वो चाहता है हेल्प करना तो बड़े से जाके वो कह सकता है कि उसको हेल्प चाहिए, प्लीज़ उसकी हेल्प करिए. बट बच्चे से कहिए वो खुद जाए कि हेल्प ना करे. डोंट गेट अस रॉन्ग, मुझे गलत बिल्कुल मत समझिए कि हेल्पिंग पीपल इज नाइस, बट ओनली व्हेन दे रियली नीड हेल्प एंड इफ दे डू हाउ कैन अ चाइल्ड हेल्प यू. फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, यू हैव जस्ट मेट समवन योर एज, शुड यू गो टू देयर प्लेस इफ इनवाइटेड. आप बच्चे से ये पूछिए कि अगर तुम्हें तुम्हारी एज के बच्चे मिलते हैं खेलने के लिए, तुम्हें ऐसा लगता है वो बहुत फ्रेंडली लग रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो क्या तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए खेलने के लिए जहाँ वो इनवाइट कर रहे हैं आप? तो बच्चे को अगर आप वो कहते हैं हाँ या नहीं जो भी कहते हो, आप उन्हें समझा दीजिए. चिल्ड्रन आर एडल्ट स्ट्रेंजर कैन बी वेरी डेंजरस. चिल्ड्रन हो या एडल्ट हो, अगर वो स्ट्रेंजर हैं तो वो डेंजरस है उनके लिए. एंड योर चाइल्ड शुड बी वेल अवेयर ऑफ दैट. इसके बारे में बच्चों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जिन्हें हम नहीं जानते जो स्ट्रेंजर्स हैं वो हमारे लिए डेंजरस हैं. No matter how friendly somebody seems, they are always excuses like I have homework to do or my parents will be right. हमें बच्चे को ये बता देना चाहिए कि सामने वाला देखने में कितना भी अच्छा लग रहा हो, कितना ही फ्रेंडली लग रहा हो, कुछ दे रहा हो, ये ले लो या टॉयज दे रहा हो, तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर दें और वो अपना एक्सक्यूज दे दें कि नहीं मुझे होमवर्क करना है, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स चिंता कर रहे होंगे, और वो वहाँ से निकल जाए. ठीक है, मेरा सिक्स क्वेश्चन है, If you are waiting for an elevator and someone stranger come up, should you go with them? जब हम फ्लैट में रह रहे होते हैं तो वहाँ लिफ्ट लगी होती है, तो बच्चे ग्राउंड में खेलने जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि अगर आप एलिवेटर में जा रहे हैं तो अगर उसमें आपको स्ट्रेंजर्स नज़र आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो क्या आपको उससे उनके साथ ऊपर आना चाहिए अपने घर पर, या उनके साथ कहीं नीचे जाना चाहिए? तो उन्हें बताइए. बींग लॉक्ड इन अ टाइट स्पेस विद अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर कैन बी एक्सट्रीमली डेंजरस. मतलब कि अगर आप स्ट्रेंजर्स के बीच में हैं और एक टाइट प्लेस में हैं, स्पेस में हैं, तो डेंजरस उन्हें स्ट्रेंजर के साथ उन्हें लिफ्ट में नहीं आना है. देर इज नाउ वेयर टू रन इफ समथिंग बैड हैपन्स. इससे अच्छा है कि वो वहाँ से भाग जाएं कुछ गलत होने से पहले. ठीक है, सो चिल्ड्रन अबाउट टर्न, अगर वो कहते हैं कि आओ बच्चे मेरे साथ ही चलो, छोड़ देते हैं, आ जाओ स्पेस है, तो बच्चों को उस ऑफर जो ऑफर वो दे रहे हैं कि आज मेरे लिफ्ट में मेरे साथ, तो उन्हें इस ऑफर को इग्नोर कर देना चाहिए, ऑफर को सच रिफ्यूज़ कर दें. दे कैन जस्ट से दे आर वेटिंग फॉर देयर पेरेंट्स हु आर ऑन द वे. उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकता, और फिर वो वहाँ से चले जाएँ, हट जाएँ. ठीक है, हमारा सिक्स क्वेश्चन. सेवन्थ क्वेश्चन है, What should you do if you notice you are being watched? आप उस समय क्या करना चाहिए जब हमें लगे कि कोई हमें देख रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है? If a child notices that someone seems to be following them, they should straight to any public place, a park, a hair salon, etc. अगर आपके बच्चे को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा है, वो नोटिस कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसे ये बताएं कि वो पब्लिक प्लेस पे चला जाए, शांत रास्ते से हट जाए, वहाँ से वो बिल्कुल भी ना जाए, पब्लिक प्लेस पे रहे या पार्क में रहे या हेयर सलून, कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ भीड़ हो, पब्लिक हो. ठीक है, उसके बाद वो वहाँ से कॉल कर ले अपनी फैमिली को कि वो आके उसे ले ले. वंस दे आर सराउंडेड बाई पीपल दे आर सेफ, सो दे जस्ट कॉल देयर पेरेंट्स एंड आस्क देम टू पिक देम अप. एक बार जब वो पीपल के बीच में हो जाता है तो पूरी तरह से सेफ है. एट क्वेश्चन है मेरा, इफ यू आर होम अलोन हु कैन यू लेट इन. आप बच्चे, नो वन द चाइल्ड डज नॉट नो हु एवर दे सीम टू बी वट एवर दे लुक लाइक. बच्चा उन्हें जानता है नहीं जानता है, वो देखने में कैसे दिख रहे हैं, कैसे जो भी हैं. ठीक है, चिल्ड्रन शुड नेवर ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स. जो बच्चे को आप समझा दीजिए कि वो किसी के लिए डोर ओपन नहीं करेंगे, अगर वो उन्हें जानते भी हैं या नहीं भी जानते. अगर वो आपके पहचान के हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स के, तो आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं
कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं उन्हें अंदर बुलाऊं कि ना बुलाऊं। सो इट्स बेटर टू कॉल देयर पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट टू डू, उन्हें क्या करना चाहिए। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर बच्चा घर में अकेले है तो जो उनसे मिलने आए हैं उनको वो कॉल करके कह दे कि मैं अभी आऊँगा तब आप आइएगा, ठीक है। बच्चे अकेले हैं तो उनको आप घर के अंदर बिल्कुल मत जाने दीजिए, आप कॉल करके उन्हें एक्सक्यूज जरूर दे दीजिए जिससे वो चले जाएं, बाद में वो आए, ठीक है। 9th क्वेश्चन है मेरा, व्हाट शुड यू डू इफ अ स्ट्रेंजर ग्रैब्स यू एंड डज नॉट लेट यू गो। आप उस समय क्या करना चाहेंगे चेक इन सच अ क्रिटिकल सिचुएशन, दे शुड डू वॉट एवर इट टेक्स टू इधर गो फ्री और अट्रैक्ट पीपल अटेंशन। आप अपने बच्चे को ये जरूर बता दें कि अगर वो किसी ने इसे पकड़ लिया था, वो उस सिचुएशन में जो कर सकते हैं करिए, या उसका हाथ काट लीजिए, चिल्लाइए, लोगों का टेंशन लेने के लिए आप जो कर सकते हैं, फ्री होने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करिए, काट लीजिए, कुछ भी करिए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ, अगर आप छूट गए तो आप वहाँ से भागिए। भागने के बाद अगर अगल बगल कोई कार ऐसी दिखती है, आजकल कार जो आती है वो अलार्म वाली आती है, अगर उन थोड़ा से टच कर दीजिए तो अलार्म बजने लगता है, तो या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कोई स्टोन ले लीजिए, कार पे जो है थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए, जैसे क्या है उसमें अलार्म बजने लगेगा तो वो जो आपको पकड़ा हुआ है वो डर के मारे वो वहाँ से भाग जाएगा। दे कैन ऑल्सो पिक अप अ रॉक एंड थ्रो इट एट द न्यूरेस्ट कार टू ट्रिगर द अलार्म। द अब्यूजर गेट स्क्योर्ड एंड रन अवे हिमसेल्फ। 10th क्वेश्चन है मेरा, कैन यू टेक मेडिसिन फ्रॉम द फर्स्ट एड किट इफ योर पेरेंट्स आर अवे। क्या आपको मेडिसिन लेनी चाहिए? ऑल मेडिसिन दैट यू हैव एट होम शुड बी हिडन इन अ प्लेस वेयर योर चाइल्ड कैन नॉट गेट टू इट। पहली बात तो आपको सारी दवाइयाँ जो हैं ऐसी जगह रखनी चाहिए जो बच्चों के पहुँच से बहुत दूर हो, वो उन्हें ना पा सके। मेडिसिन वैसे भी बहुत डेंजरस होती हैं, वो कुछ भी गलत दवा खा लेंगे तो बहुत कुछ हार्मफुल हो सकता है अगर आप घर पर नहीं हैं तो। टेल देम टू कॉल यू और अदर रिलेटिव्स इफ दे आर फीलिंग अनवेल। अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, उन्हें दवा लेने ज़रूरत है तो वंस वो अपने रिलेटिव से कॉल कर सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हैं। पेरेंट्स को अगर ऐसा लगता है कि बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है या तो वो अपने नेबर्स को कॉल करके ये कह सकते हैं कि जाके आप उन्हें मेडिसिन दे दीजिए, ये मेडिसिन दे दीजिए, यहाँ रखिए। तो बट बच्चों को स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए कि खुद से कोई दवा नहीं लेंगे, क्योंकि वो कभी क्या हो सकता है वो दवा एक्सपायरी हो, आपको पता ना हो, बच्चे ने ले ली हो तो उसको हार्मफुल हो सकती है, इसलिए आप मना कर दीजिए। और ये थे मेरे 10 ऐसे क्वेश्चंस जो बच्चों को सेफ रखने में मदद करेंगे। तो आप प्लीज़ ये क्वेश्चन बच्चों से पूछिए, उन्हें बताइए उन्हें सिचुएशन में होंगे तो क्या करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेकर बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।